नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल लव गुरु MK में। और आज की हम वीडियो लेकर आए हैं पति पत्नी में अनबन ख़त्म करने के अचूक टोटके उपाय। अगर आपको भी लगता है कि आप दोनों प्रेमी जोड़ों के बीच हमेशा अनबन होती रहती है जिसकी वजह से आप दोनों में कभी प्यार नहीं होता, तो इसके लिए आज आप पति पत्नी में प्यार को कैसे बढ़ाएं, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कैसे आप अपने पति पत्नी में फिर से वो प्यार को उजागर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपकी हर समस्या का समाधान में वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, पति पत्नी के बीच झगड़े होना वैसे आम बात होती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पति पत्नी के बीच झगड़े अलग होने का कारण ना बन जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले ही उसके उपाय के बारे में आपको जानकारी हासिल हो जाए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हल्की नोकझोंक तो हर रिश्ते में होती ही है, लेकिन अगर बात की जाए पति पत्नी के रिश्तों की तो इसमें बहुत संभल कर निभाना पड़ता है। अगर पति पत्नी के बीच ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं तो इसमें रिश्ता खराब होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नोकझोंक, इस लड़ाई झगड़ों को कैसे दूर किया जाए, कैसे आप अपने पति पत्नी में फिर से उस प्यार को उजागर कर सकते हैं। तो ये टोटके उपाय कोई भी पति या पत्नी कर सकते हैं और जिसकी मदद से फिर से उस प्यार को उजागर किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप पति पत्नी के बीच लड़ाई कम करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। जानिए इस वीडियो में दिए सिंदूर से उन उपायों को। रात भर पति के तकिए के नीचे अपने सिंदूर रख देना है और सुबह सिंदूर का आधा भाग घर में गिरा दें और बचा हुआ आधा सिंदूर महिला अपनी मांग में लगा लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा रविवार की रात पति के गद्दे के नीचे थोड़ा सा सिंदूर बिखेर कर सुबह उस सिंदूर को महिला अपने मांग में लगाएं। यह तरीका भी बहुत कारगर साबित होता है जिसकी मदद से लड़ाई झगड़े खत्म किए जा सकते हैं। अब आप पति क्या कर सकता है, इसमें आपने तीन लौंग लेने हैं और इन्हें अपने पत्नी के सर के ऊपर से वार कर एक वशीकरण मंत्र का आपने जाप करना है और उसके बाद इन लौंगों को किसी चाय या दूध में डालकर अपनी पत्नी को खिला देने हैं। ऐसा करने से आप दोनों में इतना प्यार उजागर होगा कि आप पहले भी इतना प्यार नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से पति पत्नी के रिश्तों में फिर से मधुरता लाई जा सकती है। अगर आपको आज के हमारी इस वीडियो में दिए उपाय टोटके पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वशीकरण मंत्र को जानने के लिए आप हमारे दिए नंबर पर जरूर कॉल कीजिए ताकि आपको सही विधि भी बताई जा सके और उसका सही तरीका बताया जा सके वशीकरण मंत्र का जाप कैसे करना है। तो दोस्तों, यह कहते हुए इजाज़त चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।